नमस्ते दर्शकों, तो मेरे चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। और आज का स्पेशल डिश है चिकन काशा। तो उसमें मैं थोड़ा सा आलू दूंगी और थोड़ा सा ट्विस्ट देकर बनाऊंगी। लेट्स सी कैसे होता है। पहले मैंने पोटैटो को कट कर लिया है और अच्छे से वॉश कर लिया है, और चिकन को भी मैंने अच्छे से धो लिया है। अब बारी है इसको मैरिनेट करने का। तो मैरिनेट करने के लिए लगेगा अनियन पेस्ट, टोमेटो पेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट और थोड़ा सा मैं ग्रीन चिली भी पेस्ट की हूँ। इसके बाद मैं उसके अंदर दूंगी थोड़ा सा नमक, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। आप अपने अंदाज़ अनुसार नमक दे दीजिएगा, थोड़ा सा हल्दी दीजिएगा, इसके बाद थोड़ा सा जीरा पाउडर और इसके बाद दीजिएगा थोड़ा सा धनिया पाउडर, और तीखा टेस्ट आने के लिए ऑब्वियसली रेड चिली पाउडर भी दे दीजिएगा और थोड़ा सा सरसों का तेल दीजिएगा। देख के इसको अच्छे से मैरिनेट करके साइड में रख दीजिएगा आधा घंटा के लिए, तो फिर ये अच्छे से मैरिनेट हो जाएगा। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो अब स्टार्ट करते हैं चिकन बनाना। पहले जो भी मैंने आलू काट के उसको धो के रखा था उसको फ्राई करना है। तो चिकन बन रहा है तो ऑब्वियसली सरसों के तेल में ही बनेगा, तो मैं सरसों का तेल ऐड कर दी हूँ। उसके बाद मैं जो भी वो पोटैटो कट करके साइड में रखी थी वो वाला मैंने तेल में दे दिया। बहुत ही धीरे से दीजिएगा वरना आपके ऊपर तेल आ सकता है। ऊपर से दीजिएगा नमक और थोड़ा सा हल्दी। देखिए इसको रेडिश, मतलब रेड रेड थोड़ा कलर आ जाए, ऐसे करके थोड़ा हाफ फ्राई कर लीजिएगा, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। थोड़ा स्टीर करते रहिएगा वरना आलू नीचे से जल जा सकता है। तो ऐसे करके हम आलू को अच्छे से फ्राई करके इसको साइड में रख लेंगे और उसके बाद जाएंगे नेक्स्ट स्टेप। तो आलू फ्राई करके मैंने साइड में रख दिया है। अब गरम ऑयल में मैं रॉ गरम मसाला दे दूंगी, इलायची, दालचीनी, लौंग, ये सब मैं दे दूंगी। इसको अच्छे से फ्राई करूंगी। इसको अच्छा कलर देने के लिए एक ट्विस्ट आप दे सकते हैं। 2 चम्मच चीनी आप तेल में जला लीजिएगा थोड़ा देर के लिए। देखिए ऐसा स्क्रीन पे जैसा दिखा रहा है ये थोड़ा रेड हो जाएगा, तो फिर आपका चिकन का कलर बहुत अच्छा आएगा, पूरा एकदम होटेल जैसा कलर आएगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं अभी ये थोड़ा बहुत जल गया है, तो मैं जो भी चिकन अभी आधा घंटा के लिए मैरिनेट करके रखी थी वो वाला मैंने इसमें दे दिया। अब इसको मैं अच्छे से फ्राई करूंगी और उसके बाद ही मैं जो जो पेस्ट अलग से करके रखी थी वो वाला पेस्ट मैं एक एक करके ऐड करूंगी। जैसे कि ग्रीन चिली पेस्ट, पहले मैं ग्रीन चिली पेस्ट ऐड कर दे रही हूँ। उसके बाद मैं जो भी अनियन पेस्ट करके रखी थी वो जितना भी आप जितना चिकन बना रहे उसके अनुसार आप अपना ऑनियन पेस्ट ऐड कीजिएगा। फॉर्मल कर रही फिर से, ऑनियन पेस्ट ऐड कीजिएगा। उसके बाद जो टोमेटो है वो भी पेस्ट ऐड कीजिएगा, और जो जिंजर गार्लिक आप बना के रखे थे वो वाला पेस्ट ऐड करके इसको अच्छे से स्टीर कीजिएगा ताकि पूरा मसाला मिक्स हो जाए, और धीमी आँच में इसको बहुत देर तक पकाइएगा, तो फिर ये वाला जो मसाला है वो बहुत अच्छा वाला कलर लाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैं पूरा स्टीर करके इसको मिक्स कर दे रही हूँ। कलर लाने के लिए आप थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च ऐड कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं चाहे तो इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसको अच्छे से ऐड कर ले रही हूँ, स्टीर कर ले रही हूँ। आप इसको चाहे तो कवर भी कर सकते हैं, पर आपको बीच बीच में इसको स्टीर करना बहुत इम्पॉर्टेंट है वरना मसाला नीचे से जल जा सकता है। और बहुत ही धीमी आंच में इसको रखिएगा तो फिर अच्छे से ये वाला पकेगा। ये थोड़ा देर पक जाने के बाद जो आलू आपने साइड में फ्राई करके रखा था वो वाला इसमें ऐड कर दीजिएगा। देख के अच्छे से स्टीर करके इसको मिक्स कीजिएगा, तो फिर वो आलू में भी वो मसाले का टेस्ट अच्छा वाला आ जाएगा। और थोड़ा देर इसको स्टीर करने के बाद जब आपको लगे कि दोनों मिक्स हो गया है तो साइड में थोड़ा सा वार्म वाटर रखिएगा, वो ऐड कर दीजिएगा। वाओ ब्यूटीफुल। पानी ऐड करने के बाद इसको अच्छे से स्टीर कर लीजिए और इसमें थोड़ा सा कसूरी मेथी ऐड कर दीजिए। ये आपके चिकन के टेस्ट को बहुत ज़्यादा इन्हेंस करेगा। और इसके साथ थोड़ा सा अगर आपके घर में चिकन मसाला अवेलेबल है तो चिकन मसाला ऐड कर दीजिएगा, तो जो फ्रेग्रेंस है वो बहुत अच्छा आएगा। और ये सारा मसाला देके इसको अच्छे से स्टीर करके ये मसाले को पकने दीजिएगा। आप चाहे तो इसको फिर से कवर कर सकते हैं और थोड़ा सा गर्म मसाला। हाय हाय इतना सुकून।
गरम मसाला ऐड करके थोड़ी देर पकाने के बाद अब बारी है इसके फाइनल लुक का। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इसका कलर कितना ज़्यादा अच्छा आया है और इसका टेक्सचर भी कितना ज़्यादा अच्छा बना है। आप लोग ज़रूर ये वाला प्रोसेस ट्राई कीजिएगा घर पे चिकन का, आई स्वेयर ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा। और अब मुझे ज़रूर कमेंट में शेयर कीजिएगा कि आप लोगों को मेरा रेसिपी कैसा लगा। अगर कुछ फीडबैक है तो वो भी कमेंट में शेयर कीजिएगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलती हूँ, थैंक यू सो मच, बाय बाय। कौन दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? ठोक दीजिए महाकाल का, ठोक दीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए, ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ।